किसी पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी पर भरोसा करते हो, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक बात नहीं है। सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको एज अ फ्रेंड गाइड करूँगा कि आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर कि किसी पर ट्रस्ट करने से पहले हमें क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। गाइस, एक बात ना हमेशा याद रखना, आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं जहाँ पे वो तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल से एक दूसरे के साथ में होते हैं, लेकिन फिर एक दिन उन्हें धोखा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान दूसरे इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस इंसान पे शक करो, आप उस इंसान पे डाउट करो, आप उस इंसान पे भरोसा ही मत करो। भरोसा करो मगर राइट वे में। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका भरोसा ब्रेक हो रहा है, आपका ट्रस्ट टूट रहा है, तब ना आप अकेले सोचो मत। एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है और आप उस इंसान से बात करने के बजाय खुद ही सोच रहे हो क्या वो मुझे सच में धोखा दे रहा है, क्या वो सच में मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप वो भी सोचोगे जो रियल में है ही नहीं, जो रियलिटी में है ही नहीं। यानी आपको नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हो, सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा बेटर वे है, अगर आपको उस इंसान पे डाउट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा है, तो उस इंसान से डायरेक्टली बात करो आराम से। चीज़ों को पैनिक मत बनाओ, आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत बनाओ जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है तो आप उस इंसान से नॉर्मली बात करो और ट्राई करो कि जो भी आपके बीच में चल रहा है वो क्लियर हो। हमेशा जब भी आप उस इंसान से ऐसे वक्त बात करते हो तो टॉपिक को बड़ा मत करो, प्रॉब्लम को बड़ा मत करो, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप उस इंसान को ऐसा बोल रहे हो कि यार मुझे लगता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मुझे पता है कि तुम मुझे सच में धोखा दे रहे हो, तो इस वजह से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। बल्कि आप उस इंसान को बताओ कि मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है, तब वो इंसान सारी बातें सही से क्लियर करेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, किसी पर अगर आप भरोसा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपके माइंड में कुछ चीज़ें आती है, जब भी आपके दिल में कोई बात आती है ना, तो आप जाकर सही से क्लियर करो, क्योंकि जितने दिन आप उन बातों को अपने दिमाग में रखोगे उतनी ही बातें और ज़्यादा उलझेगी, उतनी ही बातें और ज़्यादा खराब होगी, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखना कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना है, ना कि प्रॉब्लम को बड़ा करने के बारे में सोचना है, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आपको प्रॉब्लम को बड़ा करना है फिर प्रॉब्लम को करना है छोटा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करो और किसी का भी ट्रस्ट मत तोड़ो। अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, तो क्लियरली उस इंसान से बात करो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है जाकर उस इंसान से अभी क्लियर करो, अभी क्लियर करो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है।